सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर गोलीबारी की घटना की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले की कमान अपने हाथ में ले ली है। फायरिंग की घटना में दो अज्ञात बाइकर्स शामिल थे। वहीं मामले की गहराई से जांच करने के लिए अपराध शाखा की 10 से ज्यादा टीमों को तैनात किया गया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने नवी मुंबई से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल पूछताछ कर रही है। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। एक्टर की सुरक्षा में पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है। बता दें कि सलमान खान को फिलहाल Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसी कैटेगरी में उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, लोकल पुलिस का भी सर्वेलेंस बढ़ाया गया है।